दोस्तों, आपने 1985 में आई फिल्म तवायफ तो देखी ही होगी। इसकी कहानी एक ट्रायंगल लव स्टोरी होती है, जिसमें दाऊद कायनात बनी पूनम ढिल्लो से प्यार करने के बावजूद तवायफ सुल्ताना से प्यार करने लगता है, जिसके चलते इस फिल्म में सुल्ताना बनी रति अग्निहोत्री और कायनात बनी पूनम ढिल्लो के बीच सौतन का रिश्ता देखने को मिलता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि फिल्म की तरह रियल लाइफ में भी इस खूबसूरत अदाकारा ने ऐसे ही एक शख्स से प्यार किया और शादी की, जिससे शादी करने के बाद इन्हें सौतन मिली। इनके पति और सौतन के बारे में शायद ही आप जानते होंगे और ना ही जानते होंगे आप इनके बच्चों के बारे में, जो कि अपनी लाइफ में आज काफी सक्सेसफुल हैं। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और साथ ही इस टैलेंटेड एक्ट्रेस के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तवायफ फिल्म से मशहूर होने वाली अभिनेत्री पूनम ढिल्लो का जन्म 18 अप्रैल 1958 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसके चलते इनकी पढ़ाई भी यहीं से पूरी हुई। वहीं अगर बात करें इनके करियर के बारे में, तो बता दें कि पूनम ढिल्लो ने करियर की शुरुआत महज 16 साल की उम्र में ही कर ली थी, जहां मिस यंग इंडिया के विनर बनने के बाद डायरेक्टर यश चोपड़ा ने इन्हें नोटिस किया और इन्हें इसी साल अपनी फिल्म त्रिशूल में काम करने का मौका दिया, जिसमें इन्होंने कुसुम की भूमिका निभाते हुए दर्शकों से अपनी खूबसूरती और अदायगी के लिए काफी तारीफें बटोरी। जिसके बाद इन्हें कई ऑफर्स आने शुरू हो गए, जिन्हें अपनाते हुए इन्होंने नूरी सोने पर सुहागा और बेपनाह जैसी फिल्मों में काम किया और फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। वहीं वर्तमान में भी इन्होंने अपने करियर को बरकरार रखा है, जहां अब ये सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी सीरियल में भी नजर आती हैं। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत और दमदार अभिनेत्री के पति के बारे में, तो आपको बता दें कि पूनम ढिल्लो के हस्बैंड का नाम अशोक ठकेरिया है, जिनसे इन्होंने साल 1988 में शादी करके अपना घर बसाया था, जहां इन दोनों की शादी से इन्हें आगे चलकर दो बच्चे भी हुए। इसके बावजूद इन दोनों का रिश्ता लंबे समय तक ना चल सका और इसी वजह से इन दोनों ने 1997 में एक दूसरे को तलाक देने का फैसला कर लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके पति प्रोफेशन से प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं। इसके बाद बात करें इनके बच्चों के बारे में, तो आपको बता दें कि इनके बच्चों में एक बेटा और एक बेटी शामिल है, जिनमें सबसे पहले बात करें इनके बेटे के बारे में, जो आपको बता दें इनके बेटे का नाम अनमोल ठकेरिया है, जो कि प्रोफेशन से एक एक्टर और मॉडल है, जिन्होंने बतौर एक्टर साल रिलीज हुई फिल्म ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज में मुख्य भूमिका निभाई थी। वहीं अगर बात करें इनके बेटे की निजी जिंदगी के बारे में, तो बता दें क्योंकि इन्होंने इस साल ही अपने करियर की शुरुआत की, इसीलिए ये कुछ सालों तक अपने करियर पर ही फोकस करना चाहते हैं। बेटे के बाद बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी बेटी का नाम पालोमा ढिल्लो है, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। बता दें बेटे की तरह इनकी बेटी ने भी अपने करियर के चक्कर में अब तक शादी नहीं की है। अंत में बात करें इनकी सौतन के बारे में, तो आपको बता दें कि पूनम ढिल्लो और अशोक ठकेरिया की शादी के कुछ सालों तक तो इनमें काफी ज्यादा प्यार था, पर शादी के कुछ सालों के अंदर ही अशोक ठकेरिया अपने लाइफ में काफी ज्यादा बिजी रहने लग गए। आगे चलकर पूनम ढिल्लो को उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला, पर इसके बावजूद पूनम ढिल्लो ने कभी भी अशोक के उस रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया और ना ही अपनी सौतन के बारे में किसी को बताया। पर अशोक की इस हरकत ने पूनम को उनसे अलग होने का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था, जहां आगे चलकर सिंगल मदर रहकर इन्होंने अपने दोनों बच्चों को पाला। तो दोस्तों, अभिनेत्री पूनम ढिल्लो की जिंदगी से जुड़ी इस जानकारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।